दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए रोज नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर बैठे मसल से बॉडी बनाना बहुत आसान है। इसके लिए किसी महंगे जिम की आवश्यकता भी नहीं है, बस थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ी कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। यदि आप नियमित रूप से व्यायाम करें तो बहुत अच्छे परिणाम वाली बॉडी हासिल कर सकते हैं, बहुत मजबूत बॉडी हासिल कर सकते हैं। नंबर एक पे बात करते हैं पुशअप्स की। दोस्तों, घरेलू व्यायाम में पुशअप सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला व्यायाम है। दोस्तों, पुशअप्स करके आप चेस्ट, शोल्डर और हाथों के मसल्स को मजबूत बना सकते हैं। बस आपके पुशअप्स करने का तरीका सही होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और आपके पुट्ठों की सीध में होनी चाहिए, न कि झुकी हुई। नंबर टू, अपने कंधों एवं पीठ के व्यायाम के लिए दीवार के सहारे अपने हाथों पर खड़ा होने का व्यायाम। हालांकि यह व्यायाम कमजोर हृदय वालों के लिए नहीं है, किंतु हाथों पर खड़ा होने से शरीर के अनेक मांसपेशों का व्यायाम होता है। इसको करने के लिए पहले दीवार की तरफ पीठ करके बैठ जाएं, अपने हाथों को जमीन पर रखें और दीवार पर छोटे छोटे कदमों से चलने का उपक्रम करें। अब एक बार इस व्यायाम को पूरा करने के लिए अपने पैर की उंगलियों से संतुलन करते हुए धीरे से अपना सर जमीन तक लाएं। इसकी प्रैक्टिस आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा व्यायाम है, लेकिन सब इसकी प्रैक्टिस ना करें, जो कर सकते हैं वो ही करें। अगला व्यायाम है प्लैंक। पूरे शरीर के लिए प्लैंक एक बहुत अच्छा व्यायाम है। इसे करने के लिए पहले पुशअप्स की अवस्था में आ जाएं। अब अपनी हथेलियों की बजाय अपनी कोहनियों और कलाइयों को जमीन पर रखें, अपनी पुट्ठों की मांसपेशियों को कसें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। इस अवस्था में 1 मिनट तक रहें, थोड़ा विश्राम करें, फिर इस व्यायाम को 2 से 3 बार दोहराएं। अगला व्यायाम है अपने बाहों के व्यायाम के लिए डिप्स, ट्राइसेप्स डिप्स। अच्छी डिप्स करने के लिए आपको एक मजबूत बेंच, मेज या कुर्सी की आवश्यकता होगी। अपने हाथों को पीछे की ओर बेंच पर ऐसे रखें कि आपकी पुट्ठे हवा में रहें और आपके घुटने 90 डिग्री का कोण बनाते हों। अपने पैरों को मजबूती से जमीन पर रखें और अपने पुट्ठों को जमीन तक नीचे ले जाएं, जब तक कि आपकी बाहें 90 डिग्री का कोण ना बना लें। वापस ऊपर उठें, इस व्यायाम के 10 से 20 बार सेट लगा सकते हैं। अगली एक्सरसाइज, अपने एब्स को विकसित करने के लिए क्रंचेज। क्रंचेज एब्स के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, आपके पांव जमीन पर हो और घुटने मुड़े हुए। अपनी गर्दन को हाथों के सहारा देते हुए अपने कंधों को जमीन से 6 से 8 इंच ऊपर उठाएं। 1 सेकंड इस मुद्रा में रहें, फिर धीरे धीरे वापस नीचे जाएं, तुरंत ही वापस उठें। सारे समय ऊपर की ओर देखें और इस प्रक्रिया को धीरे धीरे और संयमित ढंग से करें। इस प्रक्रिया के 3 से 4 सेट आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ आप खाने में केला, सोयाबीन, दालें, चने, मूंगफली, बादाम, अखरोट, काजू, पनीर, टोफू, दूध, मक्खन, घी, दही इत्यादि का सेवन भरपूर मात्रा में करें, जिससे एक ही महीने में आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस नजर आएंगे। और उसके साथ में एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है वो जरूर करें, आपकी बॉडी जरूर बन जाएगी।